हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिन मैथ्स की फैकल्टी। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। अपना टॉपिक था लड़ा मैट्रिक्स का, तो मैंने आपको मैट्रिक्स में बेसिक चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी। फिर मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी आपको कर वन मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अपने बेटा, इस मैट्रिक्स में आपको पता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन आते हैं अपने पास। एक तो अपने पास वन मार्क्स का क्वेश्चन हमारा थर्ड आता है, एक अपने पास क्वेश्चन हमारे ट्वेल्व आता है जो अपने पास बोर्ड एग्जाम में टू मार्क्स का होता है। तो वन मार्क्स के एंड टू मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप से आपसे आस्क किए जाएंगे एग्जाम में, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अपने पास बड़ा एक ही मैट्रिक्स है ए फोर वन, इसका ऑर्डर आपको पता है वन क्रॉस सी थ्री। मैट्रिक्स ये टू वन टू, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपको है थ्री क्रॉस थ्री। ये मैट्रिक्स ए फोर वन, इसका ऑर्डर है बेटा थ्री क्रॉस वन इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्या अपने पास एक ही जीरो मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको विवर है वो नोट कर देंगे आप। ए फोर वन टू वन टू वन जीरो टू माइनस का फोर, ये ए ये फोर और ये वन है इक्वल टू क्या करेगा अपने पास जीरो। आपको बड़ा इसका ऑर्डर है वन क्रॉस थ्री, इसका ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री, इसका ऑर्डर है बेटा थ्री क्रॉस थ्री। देखो इसका कॉलम थ्री, इसका रो थ्री, इसके कॉलम थ्री, इसका रो थ्री। तो अपने पास ये अपने पास मैट्रिक्स थ्री है, इसे एन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इससे मल्टीप्लाई करूं तो वन क्रॉस थ्री आएगा अपने पास। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या करेंगे, ए को टू से मल्टीप्लाई किया बेटा टू ए आएगा, फोर को वन से मल्टीप्लाई किया प्लस का फोर आएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया प्लस का जीरो आएगा। ए को वन से मल्टीप्लाई कर दो ए, फोर को जीरो से किया जीरो, वन को टू से मल्टीप्लाई कर दो जीरो प्लस का टू बन जाएगा। इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर दो बड़े, ए को वन टू से मल्टीप्लाई किया टू ए आएगा, फोर को टू से किया प्लस का एट आएगा, वन को माइनस फोर से किया माइनस का फोर आएगा अपने पास। जीरो ए ये फोर ये वन इसको टू क्या आएगा अपने पास जीरो आएगा। अब देखो इसको अपन सिंपली करते हैं तो क्या आता अपने पास, इसमें पे करेंगे तो क्या आएगा, देखो टू ए प्लस फोर प्लस जीरो क्या आएगा टू ए प्लस का फोर आएगा। ए प्लस जीरो प्लस टू क्या आएगा बेटा, इसकी वैल्यू होगी अपने पास ए प्लस का टू देगा। टू ए प्लस एट माइनस फोर इक्वल टू क्या आएगा बेटा टू ए प्लस का फोर आएगा। और अपने पास देखा इसका ऑर्डर हो गया वन क्रॉस थ्री, ये ए फोर वन, इसका ऑर्डर क्या अपने पास थ्री क्रॉस वन इक्वल टू क्या अपने पास जीरो मैट्रिक्स। तो बेटा अब इसको अपन फिर से प्रोडक्ट करते हैं दोनों का अपने पास मल्टीप्लाई, तो अपने पास वो इसके कॉलम थ्री इसका रो थ्री, तो अपने पास का मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल वो क्या है, इसका ऑर्डर क्या आएगा वन क्रॉस वन आएगा। टू ए प्लस फोर को ए से मल्टीप्लाई किया तो टू ए स्क्वायर प्लस का फोर ए, ए प्लस टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फोर ए प्लस का आया है। टू ए प्लस फोर को ए से मल्टीप्लाई किया टू ए स्क्वायर प्लस का फोर ए, ए प्लस टू को फोर से किया तो फोर ए प्लस का है, और टू ए प्लस फोर को वन से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आएगा ए प्लस टू ए प्लस का फोर आएगा, और इसको टू क्या आएगा बेटा अपने पास जीरो आएगा। अब इनको अपने पास क्या कहता है, ये जीरो भी क्या आपको पता है जीरो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है वन क्रॉस वन है, इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा वन क्रॉस वन आ जाएगा अपने पास। और टू ए स्क्वायर प्लस का फोर ए प्लस का फोर ए प्लस का टू ए क्या होगा अपने पास टेन ए, एट प्लस का फोर कितना आएगा ट्वेल्व है इक्वल टू क्या होगा अपने पास जीरो है। आपको पता है टू मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके एलिमेंट क्या होंगे अपने पास इक्वल होंगे, तो अपने पास क्या आएगा बेटा टू ए स्क्वायर प्लस का टेन ए प्लस का ट्वेल्व है इक्वल टू क्या आएगा जीरो। इसको टू से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का अपने पास आएगा 5a प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा a प्लस का 3 और a प्लस का 2 इक्वल टू जीरो। आपको
आपको पता है कि इन तरीकों दोनों को ऐड करेंगे तो 6 है, दोनों का ऐड कितना आएगा 5 आएगा। तो यहां से अपने फायदे को बेस्ट कंडीशन में कि a प्लस का करी इक्वल टू 0 है तो अपने पास क्या है बेटा a की वैल्यू माइनस का करी है और a प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो अपने पास क्या आएगा a इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से अपने पास a की वैल्यू फाइंड होगी। क्वेश्चन था अपने पास कि a 4 1 2 1 2 ये मैट्रिक्स का इक्वल टू 0 है तो अपने पास 0 क्या है 0 मैट्रिक्स है तो अपन किसकी वैल्यू फाइंड करना बेटा अपने पास a की वैल्यू फाइंड करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अपना इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बने। सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या था क्वेश्चन नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन अपने पास बेटे इफ एज इक्वल टू 10 माइनस 1 ये 7 है एज इक्वल टू अपने पास है 10 माइनस 1 7 अपने पास है और एंड आई इक्वल टू क्या 1001 आपको पता है जब ए का ऑर्डर 2 है तो अपने पास से आई का ऑर्डर भी क्या रहेगा बेटा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर रहेगा अपने पास। Then find the value of k. अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करना है? Then find the value of k where आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? k की वैल्यू फाइंड करना है आपको गिवन क्या है? where a square equal to at a प्लस का ए आई ये आपको गिवन है बेटा ए स्क्वायर प्लस का एट ए प्लस का के आई। तो सबसे पहले हम पाए देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो जो गिवन है वो नोट करते हैं क्या गिवन अपने पास ए इक्वल 10 माइनस 1 एंड 7 अपने पास है ए इक्वल टू क्या है 10 माइनस 1 7 अपने पास आई इक्वल टू क्या है अपने पास 10 01 है। अब आपके पास क्या गिवन और a स्क्वायर प्लस इक्वल टू a प्लस का k है तो अपन को a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है और मैंने आपको कल बेसिक बताया था और मैंने कहा था बेसिक ऑफ कलर नहीं कि क्वेश्चन अपन कर ही नहीं पाएंगे। बेसिक क्या है अपने पास की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ a स्क्वायर मैट्रिक्स क्या अपने पास a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर आएगा a की पावर 1 माइनस 1 को a से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा a की पावर n आएगा अपने पास। तो देखो अपने पास a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं यहां से वो क्या आएगा देखो 10 माइनस 1 7 10 माइनस 1 7 अब a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा इसका 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 को माइनस 1 से किया प्लस का 0 बन गया 1 को 0 से किया बेटा 0 और 0 को आप 7 से किया प्लस का 0 माइनस 1 को 1 से किया बेटा माइनस का 7 को आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7 माइनस 1 को 1 से किया माइनस 1 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 7 1 को माइनस 1 को 0 से किया 0 7 को 7 से किया 49 ये अपने पास आएगा a स्क्वायर 10 माइनस का एट अरे 49 माइनस 1 माइनस 0 माइनस का ऐड हो गया अपने पास a स्क्वायर। अब अपने पास गिवन है अपने पास क्या गिवन है a स्क्वायर इक्वल टू ऐड a प्लस का के आई ये आपको गिवन है इसमें वैल्यू पुट कर दो a स्क्वायर की a की एंड i की वैल्यू पुट करो a स्क्वायर की वैल्यू अपने पास करेंगे तो क्या है 1 है 0 है ये माइनस का ऐड है ये 49 है इक्वल टू ऐड a की वैल्यू क्या अपने पास 10 माइनस 1 और ये 7 अपने पास प्लस का क्या बेटा अपने पास के आई तो ये रुक गई और आई क्या अपने पास 10 01 है। अब अपने पास इस ऐड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा देखो अपने पास 1 आएगा 0 माइनस का है ये 49 जीरो एट जीरो ये माइनस का एट और ये 49 प्लस का के है ये जीरो है ये जीरो है और ये वन है के है आपके लिए
अब अपन इसको सॉल्यूशन फाइंड करके अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे अपने पास। वो किस प्रकार से देखो अपने पास, एक मिनट, एट को सेवन से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 56 आएगा बेटा। एट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 56 आएगा। एट को सेवन से, एट को देखो वन से क्या है, एट को जीरो से क्या जीरो, एट को माइनस वन से क्या माइनस है, एट को सेवन से क्या 56। अब यहां से देखो अपने पास 10 माइनस है 49 बेटा। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड प्लस का क्या है जीरो आएगा, तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, माइनस ऐड में जीरो ऐड करो तो माइनस का है, ये सिर्फ 56 प्लस का क्या आ जाएगा। अब आपको पता है टू मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो इनके अपने पास जो एलिमेंट होते हैं वो भी क्या रहेंगे अपने पास इक्वल। देखो यहां पर 0 0 माइनस है माइनस है, और 1 किसके इक्वल आएगा अपने पास क्या है मान लीजिए k प्लस का है इसको तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा। तो अपने पास यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस f इक्वल टू माइनस का 7 आएगा। सेकंड कंडीशन देख लो अपने पास, ये k प्लस का 56 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 49 आएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगा 49 माइनस का 56, तो k की वैल्यू क्या हो गया माइनस 7। दोनों कंडीशन में k की वैल्यू क्या आ रही सेम ही आएगी अपने पास। इस प्रकार से अपने पास बड़े मान अपने वैल्यू क्या है k की माइनस का 7 आया अपने पास, k की वैल्यू क्या हो गई माइनस 7। इस प्रकार से अपने पास बड़े क्वेश्चन अपने पास आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटे, इफ ए इज इक्वल टू आपके पास 3 2 5 6 2 4, बी इज इक्वल टू आपको क्या अपने पास 9 6 1 2 1 -1 4 अपने पास, ये ए की वैल्यू अपने पास ये है, बी की वैल्यू अपने पास ये है, अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड करना है सी की। Then finding इसकी वैल्यू फाइंड करना है C की। Then finding matrix C where आपको क्या कंडीशन हो रही है, वह क्या रहता है अपने पास कि A प्लस का 2B प्लस C इक्वल टू 0, A प्लस का 2B प्लस C इक्वल टू 0, और अपने पास 0 क्या है इज ए जीरो मैट्रिक्स, एंड जीरो इज ए जीरो मैट्रिक्स, ये अपने पास है। तो सबसे पहले अपने पास ए की वैल्यू है बी की वैल्यू है, इसे पुट कर रहे हैं अपने पास, तो क्या आता है यहां पर पुट करेंगे ए की वैल्यू अपने पास, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आया देखो, ए की वैल्यू ये तो 3 ये 2 5 6 2 4 प्लस का 9 6 1 2 माइनस 1 4 प्लस का सी इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास 0। आपको पता है 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, जो ए मैट्रिक्स का एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो किसका ऑर्डर आएगा अपने पास बेटे 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इन दोनों के पास सबसे पहले ये 3 ये 2 5 ये 6 ये 2 और ये 4, इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को माइनस 1 से किया माइनस का 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 6 इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब इन दोनों का क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा देखो अपने पास 3 प्लस 18 तो क्या आएगा 21, 2 प्लस का 12 है क्या आएगा बेटा 14, 5 प्लस का 2 क्या आएगा 7, 6 प्लस का 4 क्या आएगा 10 आएगा, 2 माइनस का 2 क्या आएगा 0 आएगा, 4 प्लस का 8 क्या रहेगा 12 है,
प्लस सी इक्वल टू क्या रहेगा जीरो। आपको पता है प्लस है उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो सी इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास बैठे जीरो माइनस ये 21 ये 14 ये 7 ये 10 ये 0 और ये 2 बराबर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा अपने पास बैठे वो किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा A इक्वल टू आपके पास है एक पे A इक्वल टू मैट्रिक्स जगह अपने पास सी 3 2 5 1 3 2 अपने पास इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 एंड B मैट्रिक्स आपको देता है 3 माइनस का 1 ये 1 अपने पास क्या रहेगा 3 माइनस 1 2 5 माइनस का 1 1 ये अपने पास है इसका ऑर्डर क्या रहेगा 3 क्रॉस 2 1 देन फाइंड क्या करना हमको एबी फाइंड करना है इसका देन फाइंड एबी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई को करना है देखो ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 यानी इसमें रो कितने 2 कॉलम कितने 3 इसका ऑर्डर बेटा 3 क्रॉस 2 है कॉलम क्या है रो कितने 3 है कॉलम कितने बेटा तो अपने पास इसके कॉलम इसके रो क्या है इक्वल है तो इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या होगा बेटा पॉसिबल होगा अपने पास इसका ऑर्डर क्या रहेगा 2 क्रॉस 2 आएगा देखो ए बी इक्वल टू क्या है 3 2 5 1 3 2 फिर क्या आएगा अपने पास 3 माइनस का 1 2 5 माइनस 1 गिवन इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है एडिशन टू क्या है इस रो को इस कॉलम से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो 4 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 5 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 3 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो प्लस का 10 फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस का 5 इससे रो को इन टू कॉलम से क्या क्या मल्टीप्लाई देखो 3 को 3 से तो 9 आया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 5 आया अब 3 को माइनस 1 से किया माइनस 3 2 को 5 से किया 10 5 को 1 से किया 5 अब अपने पास सेकंड रो को इन टू कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 फिर 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया यूनो 2 आ गया इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा अपने पास 2 क्रॉस 3 2 यानी 2 तो रो एंड 2 क्या अपने पास बैठे कॉलम है ए बी इक्वल टू क्या है 9 प्लस 4 कितने आएंगे 13 तो 13 माइनस 5 देखो फिर 10 प्लस 5 15 15 माइनस 3 फिर क्या आएगा 3 प्लस 6 कितने 9 9 माइनस 2 15 प्लस का 2 क्या रहेगा 17 17 माइनस 1 13 में से 5 लेस कर दो 8 15 में से 3 लेस कर दो 12 है 9 में से 2 लेस करो 7 17 में से 1 लेस करो 16 इसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा 2 क्रॉस सी 2 आएगा इस प्रकार से बेटा अपने पास 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका अपने पास
प्रोडक्ट फाइंड करवा रहे ए का बी से अपने पास। अब देखो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपको बताया, टू मार्क्स का, वन मार्क्स का, दोनों से कोई भी अपने क्वेश्चन आ सकता है। अब अपने पास एक थोड़ा अपने पास बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, जैसे एग्जाम में आया है क्वेश्चन, आपको बता दूं मैं कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू है तो मैट्रिक्स बी की है, तब हमको ए भी फाइंड करना है। एकदम इजी है, अपने पास शॉर्ट ऑर्डर में आपको बता दूं मैं कैसे आएगा। देखो मैट्रिक्स अपने पास आपको क्वेश्चन है कि ए पे ए इक्वल 3 5 -1 ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, 3 क्रॉस 1। फिर आपको एंड है b इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, 1 5 ये 6, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 1 क्रॉस 2। देन फाइंड a, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है बेटा आपके पास, पहले बोर्ड पेपर्स में आपके पास। देखो आपके पास गिवन में इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसका कोटा 1, इसकी रो क्या था 1, क्या रहेगा बेटा आपके पास ए भी क्या रहेगा पॉसिबल है। अब अपने पास ए बी इक्वल टू क्या है 3 5 -1 ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास 3 क्रॉस 1, 3 तो क्या रहेगी रो, ऑर्डर क्या इसका है 1 5 6, इसका ऑर्डर क्या रहेगा 1 क्रॉस 3, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा बेटा 3 क्रॉस 3 आएगा, 3 को 1 से किया 3, फिर 3 को 5 से किया 15, 3 को 6 से किया 18, ये फर्स्ट रो हो गई। फिर इस 5 को इन तीनों एलिमेंट से तो अपने पास क्या रहेगी थर्ड कॉलम आएगा अपने पास 5 को 1 से किया 5 को 5 से किया 25, 5 को 6 से किया 30, -1 को 1 से किया -1, 1 -1 को 5 से किया -5, -1 को 6 से किया -6, इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा 3 2 3। इस प्रकार से अपने पास बेटा अपने मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, मैट्रिक्स बी अपने पास है, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है हमसे, मैट्रिक्स ए भी फाइंड करवा रहा है। ऐसा बेटा आपके पास क्वेश्चन है एग्जाम में 1 मार्क्स का, बिफोर एग्जाम अपने पास इससे पहले जो एग्जाम के लिए आया अपने पास। ओके बेटा, थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी टाइप के और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे।